इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद का आज से आगाज। खवातीन की नशस्तों पर कागजात नामजदगी का इजरा, मखसूस नशस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी जारी किए जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 100 रुपए 30 अदा करके कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जारी कराए जा सकेंगे। सियासी जमातें 22 दिसंबर से मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों की तरजीही लिस्ट मुतालका आरूस को फराहम करते हैं। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के हल्काबंदी केस में रिमार्क। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, किसी को इलेक्शन ताखिर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PV 12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अमरीका पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का हामी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तान में आजादाना और मुंसिपाना इलेक्शन की हिमायत जारी रखेंगे। दो तरफा बातचीत जारी है। पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटिव इत्तेहादी और पार्टनर है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने महकमे खारजा और पेंटागन में अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान के साथ तआवुन पर शराकत के मुंतजर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस इलाकाई सलामती के मामलों में तआवुन पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियत के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती मामलों को बढ़ाने की जरूरत का इरादा किया गया। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। मुलाकात फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड के दौरे के दौरान हुई। दहशतगर्दों ने सिर्फ हजारा ही नहीं दीगर को भी निशाना बनाया। बदकिस्मती से हमारे खित्ते में खूनी दौर भी आया। हजारा बरादरी ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा मासी में कोताहियां जरूर हुई मगर नियत हमारी बुरी नहीं थी। उधर वज़ीर आज़म का आज बलोचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का अफ्तिताह, जामियात के तलबा से गुफ्तगू भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लियामानी बोर्ड का आज फिर इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से मुलाकात करके इंटरव्यू करेंगे। इजलास में मरियम नवाज और सदर पंजाब राणा सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक। लेवल प्लेइंग का वही हाल है जो तहरीक इंसाफ के दौर में था। नवाज शरीफ ने रब्ता किया, ना ही मुझे जरूरत है। सहाफी के सवाल पर नून लीगी रहनुमा शाहिद अकान अब्बासी का जवाब, सहाफी ने पूछा, मुल्क के चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वजीर आजम कह रहे हैं इलेक्शन होंगे। शाहिद अकान अब्बासी ने जवाब दिया, क्या आपको यकीन नहीं? सहाफी ने सवाल किया, तोशाखाना केस और अलकादिर केस बदनीयती पर मबनी है। शाहिद अकान अब्बासी बोले, यही अदालतें हैं, यही निज़ाम, आपको इंसाफ मिलेगा 5 साल बाद। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने का केस समाअत दिन 1 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर रखा है। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद जीमा को भी नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल को भी नोटिस जारी कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने जानिबदार वज़रा को निगरान काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। बानी PTR फवाद चौधरी के खिलाफ तोहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत कर रहा है। दोनों मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई का इम्कान, गुज़िश्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी।
9 मई वाकयात के केस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें बहाल करने की दरख्वास्त खारिज। इंसादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरख्वास्त खारिज की। शाह महमूद कुरैशी के वकील की अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत बहाली की दरख्वास्त खारिज की गई। इंसादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मौसम बदल गया लेकिन स्मोक न गई। बागों के शहर में आज भी आलूदगी के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 242 रिकॉर्ड। शहर कायद में भी आलूदगी के डेरे। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर आ गया। माहिरीन सेहत की शहरों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। उधर लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत आज होगी। जस्टिस शाहिद करीम दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1137 पॉइंट्स की कमी। मार्केट में 64,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर रुपए की डॉलर पर बढ़तरी। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 283.18 रुपए का हो गया। गुजश्ता कारोबारी रोज डॉलर 283.21 रुपए पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 284.50 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। पंजाब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए मुतहरिक। किराए कम न करने वालों के खिलाफ एक्शन। जायद किराए वसूल करने पर 31 गाड़ियां बंद कर दी गईं। 64 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने। ओवरलोडिंग करने पर 22 गाड़ियों से सामान उतरवा दिया गया। गाड़ियां बंद करके चालान जारी। किराया नामे अवैजा न करने पर शोकॉज भी जारी किए गए। और बेसबॉल की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की 11 दर्जे तरक्की। 155 पॉइंट्स के साथ 38वें पोजीशन पर पहुंच गया। पाकिस्तान एशियन बॉल चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके 5वें नंबर पर रहा था। नई रैंकिंग में जापान की सबकत बरकरार। मेक्सिको दूसरे, अमेरिका तीसरे नंबर पर है।